हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जी के, जो कि भारत और विश्व से है, जो कि भारत में सबसे बड़ा और विश्व में सबसे बड़ा या छोटा, आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कुछ जी के। तो देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बैटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बैटिंग। अगला देखते हैं, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन, भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, अगला देखते हैं जी के, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन और कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? तो वो है मुंबई, जो कि भारत में सबसे आबादी वाला शहर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? तो वो है चिल्का झील। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किसका है? तो वो है मरीना बीच, चेन्नई। मरीना बीच है जो कि चेन्नई में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर, याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? वो है वेटिकन सिटी, जो कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद का नाम क्या है? तो वो है सुल्तान हसन मस्जिद, जो कि काहिरा में है, वो मिस्र में है, मिस्र की राजधानी काहिरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो वो है वुड बफेलो नेशनल पार्क, जो कि कनाडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस देश का राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो फ्रांस देश का राष्ट्र चिन्ह लीली है, लीली। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मालदीव देश का संसद का क्या नाम है? तो मालदीव देश का संसद का नाम है मजलिस, याद रखिएगा, मजलिस। अगला क्वेश्चन, मेन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो वो है रूस एवं फिनलैंड के मध्य। ठीक है, रूस एवं फिनलैंड के मध्य। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन है? तो वो गोरखपुर है, गोरखपुर का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है, मतलब कि पूरा विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेल सुरंग कौन है? तो वो है गोटहार्ड, जो कि स्विट्जरलैंड में है। गोटहार्ड, याद रखिएगा, गोटहार्ड स्विट्जरलैंड में है, विश्व का सबसे बड़ा रेल सुरंग है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश कौन है? तो वो है भोस्टाल। ठीक है, विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश भोस्टाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन है? तो विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। ठीक है, बुर्ज खलीफा। अगला क्वेश्चन, जापान देश का राष्ट्र चिन्ह क्या है? जापान देश का राष्ट्र चिन्ह क्या है? वो है गुलदाउदी। ठीक है, गुलदाउदी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कविंदर भाई चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।